नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल रसखान के सवैयों की पद्य व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रसखान इस हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और रसखान के करीब 7-8 पद पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। पहला सवैया है जो एक छंद है, वर्णिक छंद है, आपको सबको ही मालूम है। इसका मैं मूल पाठ करूं और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या हम करेंगे। पद्य इस तरह से है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारण, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे कर पच्छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की धारण। प्रिय विद्यार्थियों, रसखान कृष्ण भक्त कवियों में से एक हैं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत रसखान का नाम बहुत ही आदर सम्मान के साथ में लिया जाता है। एक तरह से वो अपने नाम को सार्थक करते हैं। मूलतः तो उनका नाम सैयद इब्राहिम था, परंतु रसखान के नाम से उन्होंने कृष्ण भक्ति परक पद्य की सृजना की। ये जो पद्य है इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो सर्वप्रथम संदर्भ, फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित पद्यावतरण बीए पाठ प्रथम या स्नातक पाठ प्रथम के आदिकालीन भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत रसखान के सवैये से ये सवैया उद्धृत है। व्याख्या में हम इसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे और फिर विशेष या टिप्पणी लिखेंगे। व्याख्या कुछ इस तरह से है, कवि क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वो इतने, ये पद्य काफ़ी पुराना है, प्रचलित है, तो हम इसमें रसखान जी क्या कह रहे हैं कि अपने भगवान से, अपने कृष्ण से, अपने इष्ट से क्या कहते हैं कि भगवान अगले जन्म में अगर मुझे अगला जन्म दें और अगर मुझे मनुष्य बनना पड़े या मनुष्य का जन्म देते हैं तो मुझे उसी गोकुल गांव में जन्म देना जहां पर मैं अपने कृष्ण के दर्शन करता रहूं, और यदि पशु बन जाऊं, क्योंकि मेरा कोई वश नहीं है कि मैं मनुष्य बनूं या पशु बनूं या क्या, तो यदि मैं पशु बनता हूं तो मुझे वहां उस वो गाय बनाना जो कृष्ण जिनको चराते थे और गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं वो चराते हैं उनको, तो उन वो पशु मुझे बनाना ताकि मुझे कृष्ण की छवि, उनके दर्शन होते रहे, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहे। यदि मैं पाहन मतलब पत्थर बनूं तो पत्थर मुझे उस पर्वत का बनाना जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने, यानी कि जो गिरिधर था, गोवर्धन था, जिसको धारण किया था, उस पर्वत का पत्थर मुझे बनाना। जो खग हो तो बसेरो, यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे वो कालिंदी मतलब यमुना, यमुना नदी के किनारे पर जो वृक्ष हैं उन पर पशु जो पक्षी रहते हैं, तो वहाँ पर मेरा बसेरा करना ताकि मैं अपने कृष्ण के, अपने इष्ट के दर्शन करता रहूं। इन तमाम जो चारों पंक्तियों हैं जिसमें मनुष्य, पशु, पत्थर और खग मणि पक्षी बनने की बात कवि कहते हैं अगले जन्म में, तो ये सारी की सारी वो बनना चाहते हैं जहाँ पर कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। कवि का की जो भक्ति है वो अटूट है, अनन्य है, अविचल है, और यहाँ पर वो किसी न किसी रूप में अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी श्रृंखला में कवि यहाँ पर
अपने समान तमाम निजत्व को ख़त्म करके, अपने अहम को ख़त्म करके, और यहाँ कहते हैं कि मुझे कुछ भी बनाए, लेकिन बस मेरी एक ही अभिलाषा है, इच्छा है कि मुझे वो बनाना जिससे कि कृष्ण जी के दर्शन होते रहें। अंत में विशेष या टिप्पणी के रूप में जब हम लिखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाषा, इसमें भाषा ब्रज है, भाषा में माधुर्य है, माधुर्य गुण है, लालित्य है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, साथ में यहाँ पर जो जो पाली वगैरह का जो प्रयोग है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है, अपभ्रंश का प्रयोग भी कुछ शब्दों में, मझारण वगैरह इनमें है, और सवैया छंद है, और यहाँ पर रस की बात करें तो भक्ति रस का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। इस तरह से एक उदाहरण बराबर देते रहे हैं तो उदाहरण या उल्लेख भी यहाँ पर अलंकार के रूप में है, अनुप्रास भी है, पद्य मैत्री है, वर्ण मैत्री है, ये तमाम बातें आप इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।